नमस्कार, आप सभी का केआर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा एक नया चैप्टर है, नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपने नाम सुना होगा, मैंने क्या कहा नाम? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आपने 11th 12th में भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे। और चूंकि ये एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इसमें बहुत समय लग जाते हैं 11th 12th में, बट नाउ हमें ये समझना है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या चीजें दे रखी है और हमें क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता रहा हूं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा डिमांड का मीनिंग। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझते जाइएगा डिमांड का मीनिंग। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक, कोई दिक्कत? या इसको आप ये भी कह सकते कि व्हाट डिटरमाइंस, डिटरमाइन क्या करता है, यही लिख दीजिए जो आपके इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को जो समझ में आती है वही आपको समझने के लिए कहती है। ठीक है, डिटरमाइंस, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। ठीक, ऑफ होगा नहीं फिर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मैंने आपको लिख दिया कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होगा और व्हाट डिटरमाइन डिमांड। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है सर, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या होगा, आप जरा सोचिए। डिमांड के ऊपर मूवमेंटम, मैं इसको छोटा में लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ डिमांड, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं मूवमेंट एंड शिफ्टेशन। ठीक है, शिफ्टेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट सिंगल कर्व पे होगा और शिफ्टेशन वन कर्व, फ्रॉम वन कर्व टू अनदर कर्व होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा, ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा डिमांड के अंदर। और इसी तरह से आपको जो पढ़ना होगा कुछ चीजें, वो सप्लाई के अंदर पढ़ना होगा, सेम चीजें पढ़ना होगा इसमें भी। वैसे सप्लाई से पहले मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं कि डिमांड में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ना होगा। तो बात मिलके बराबर हुआ कि साहब डिमांड में दो चीजें पढ़ना है, एक डिमांड किसे कहते हैं और उसी के अंदर में पढ़ना होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड, और ये हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, तो हम डिमांड के अंदर जो पढ़ने वाले हैं अभी, वो ध्यान से सुनिएगा और जरा सा हम स्पीड चलेंगे क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी होती है। तो चलिए, आपको डिमांड में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो डिमांड किस चिड़िया का नाम है, जरा आप समझिएगा कि कंसेप्ट जो है ना डिमांड, वो आपको बताता है क्या कि क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दी हुई समय पर, दिए गए कीमत पर, एक ग्राहक जो भी खरीदने की इच्छा करता है उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। ठीक है, देसी भाषा में समझे तो यही चीजें होंगे, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि क्या इच्छा मात्र करने से डिमांड हो जाएगा। मान लीजिए ये है रामलाल, ये है रामलाल, और रामलाल को इच्छा है, क्या इच्छा है कि वो जाए, और मान लीजिए एक होटल है, मान लीजिए कोई अमरपाली नाम का कोई होटल है, इस होटल में इसको मन कर रहा है कि जा करके वो मिठाई खाए। आप जरा बताइए, क्या रामलाल का मन करना मिठाई खाने का, ये डिमांड होगा या नहीं होगा, आप जरा सोच के मुझे बताना।
क्या रामलाल का ये जो इच्छा है कि हम मिठाई खाएं, क्या ये इसका डिमांड तय कर देगा, इस वस्तु का डिमांड तय करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ इच्छा है। सो इट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक तो इच्छा का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। इच्छा मतलब कैसा इच्छा? प्रबल इच्छा, पूरा एकदम कि हाँ भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए वो ये भी इच्छा करने के लिए तैयार हो कि मैं पैसे भी खर्च करूंगा। वो जेब में उसके पास पैसा होना चाहिए। इसको परचेजिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। क्रय शक्ति हिंदी में बोलते हैं, परचेजिंग पावर, ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे। क्या मतलब बना ये? देखिए, एक तो डिजायर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? परचेजिंग पावर होना चाहिए, और तीसरा विलिंगनेस टू पे। ये तीनों चीज होगा तभी डिमांड होगा, ठीक है। ये तीनों चीज होगा। अगर रामलाल के पास इच्छा तो है, रामलाल को इच्छा है कि वो मिठाई खाए अमरपाली में जाकर के, परंतु उसके पास खरीदने की शक्ति नहीं है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, वो भिखारी है, क्या वो मिठाई खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। परंतु तीसरा भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस टू पे। अगर उसके पास पैसे भी हैं परंतु वो खर्च नहीं करना चाहता है, इच्छा है मिठाई खाऊं, पैसे भी हैं जेब में, पर वो जेब से निकालना नहीं चाहता है, तो क्या डिमांड होगा? नहीं साहब। तो डिमांड होने के लिए ये तीनों फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। क्या मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता है। चलिए, तो हमारा पहला पॉइंट तो साहब क्लियर हो गया कि डिमांड होने के लिए तीन चीजों की होना परमावश्यक है। पहला हो गया डिजायर, दूसरा हो गया परचेजिंग पावर, तीसरा हो गया विलिंगनेस टू पे। ठीक है दोस्त, यह हो गया डिमांड। डिमांड समझ में आया? डिमांड किसे कैसे कब होगा ये समझ में आया? हाँ। और अब हम समझते हैं कि क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट डिटरमाइंस, जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, यही ना हमारा, यही था तीसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट था व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। चलिए आपको मैं एक एक चीज करके बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बस सुनते रहिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगा। देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी होना चाहिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल भैया, क्या ये आवश्यक? कमोडिटी, कमोडिटी, ठीक है ठीक है, कमोडिटी, एक मिनट, ठीक है सर, क्या होना चाहिए? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके बाद क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या मतलब ये हुआ? मतलब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि साहब, अगर रामलाल ने अमरपाली में जाकर के एक मिठाई की दाम पता किया तो पता चला कि 40 रुपीज है। मालूम चला वही मिठाई की दाम दूसरे दुकान में 10 रुपीज है। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये चीजें हमें आगे पढ़ने को मिलेंगे, बट मैं आपको रिलेटेड गुड्स या उसी तरह के मिठाई, जो मैंने बताया कि एक मिठाई है, उसी तरह के मिठाई दूसरी दुकान में 10 रुपये में मिल रहा है, तो वो भी उसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक। तीसरा चीज क्या होता है दोस्त? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैं बात किया था कि रामलाल भिखारी है, क्या भिखारी को हम इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे? नहीं दोस्त, वो हमारे इकोनॉमी के लिए एक तरह से समझिए तो नुकसानदेह ही होता है, हमें उससे कोई इकोनॉमिक्स में डील नहीं करने हैं। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर मान लीजिए रामलाल के पास पैसे हैं तभी वो बात करेंगे, ठीक। तो इनकम होना चाहिए, जैसा इनकम का लेवल होगा हम उसी तरह का एक्सपेंसेस भी करते हैं। आप देख रहे होंगे, जैसे आप, आपके फैमिली या आप आगे बढ़ रहे होंगे, आपके परिवार में भी खर्च वैसे ही ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है इनकम का लेवल। चलिए, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है? टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ कंज्यूमर। वाह क्या बात है, आज तो मुर्गा ही खाऊंगा। टेस्ट एंड प्रिफरेंस, वैसे मैं खाता नहीं हूं, आप तो खाते होंगे ना, मुझे तो लग रहा है। टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ कंज्यूमर, आप लोग भी बताना कमेंट करके, जो जो खाते हो।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। बताओ एक मुर्गा का डिमांड मेरे लिए क्या होगा? अरे यार निडलेस होगा, आप जरा सोचो, जो नहीं खाता क्या उसके लिए कोई डिमांड होगा उसका? अगर वो फ्री में भी दे दे तो मैं तो उसको मतलब गुस्से से क्या भी क्या बोलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कोई वस्तु की डिमांड को इफेक्ट करता है, ठीक है? आपको याद रहेगा ना। इसी में आता है दोस्त डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आपको याद होगा डिमोन्स्ट्रेशन, दिखावटी। आपने अपने मित्र के यहाँ पर गया और मित्र के घर में देखा एसी कूलर फ्रीज रखा हुआ, और आपको दिल कर गया कि चलो भैया आज हम क्या लें, क्या लेते हैं, फ्रीज लेते हैं, एसी लेते हैं, कूलर लेते हैं। ये सारी चीजें डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर आता है, वो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर ही आ जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कंज्यूमर आपसे क्या उम्मीद करती है, ठीक उसी में कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में आ जाता है कि वो चाहता है कि भैया उसका प्राइस क्या हो वस्तु से रिलेटेड, कम हो, उसका आमदनी बढ़े, सप्लाई में बढ़िया हो। ये सारी चीज उनका एक एक तरह से समझिए कि उनका एक्सपेक्टेशन होता है। अच्छा इसी में आ जाता है अदर फैक्टर्स, याद रखिएगा अदर फैक्टर्स में साइज ऑफ पॉपुलेशन आता है। बाप रे ये क्या मैंने बोल दिया, साइज ऑफ पॉपुलेशन। भारत विश्व की दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या का गढ़ है, ठीक है? ये याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? ठीक है उसके ऊपर दिमाग मारने की जरूरत है नहीं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीजें हैं। ये सब भी क्या करते हैं, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये सारी चीजें, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट का जो फैसिलिटी होता है, ये सब है डिमांड तय करता है, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसीलिए कहा गया है क्या कहा गया है, एक बार मैं देखता हूं। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आप इसको पॉज करके अच्छी तरह से लिख लेना, जिसको लिखने का मन हो, और जो बस ऐसे ही देख रहे हो, मजे ले रहे हो, मुझे तो उनके लिए सॉरी ही कहना चाहिए। चलिए जो बच्चे सीए फाउंडेशन में अभी अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से इसका स्टडी कीजिएगा तो मुझे लग रहा है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। देखिए डिमांड फंक्शन, अगर आपको ये सारे पॉइंट याद नहीं रहे तो मैं आज आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं जिसके दम पर आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। डी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, मनी, प्राइस ऑफ इसको कंपोजिशन भी कह सकते हैं, ट्रेस्ट, रेफरेंस, है ना, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें आप इसमें लिख दीजिए। तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, मनी, प्राइस ऑफ कंपोजिट गुड्स, या ट्रेस्ट समझिए, प्रेफरेंस समझिए, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें आपको डिमांड फंक्शन का एनालिसिस बता देता है। तो आप दूसरा पॉइंट भी मेरे हिसाब से बेहतर रूप से समझ गए होंगे, और समय की पाबंदी है इसीलिए हमें जरा से स्पीड चलना चाहिए। आता है अब लॉ ऑफ डिमांड। देखो दोस्त लॉ ऑफ डिमांड समझने के लिए आपको एक चीज बेसिक रूप से समझना पड़ेगा। मैंने डिमांड के बारे में सारी चीजें बारीकी से आपको बता दिया है, डिमांड क्या होता है और डिमांड कैसे किया जाता है, डिमांड के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और क्या क्या ऐसा चीज है जो डिटरमाइन करता है, और इसके बाद क्या है कि अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए हम में से अधिक आदमी ये चीज समझ के बैठे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है सो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इकोनॉमिक्स का थ्योरी का, ठीक है? ये रिलेशनशिप बताता है किसी भी प्राइस और कमोडिटी का, क्वांटिटी का, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट विल बी राइज, एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल राइज देन द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्लाइन। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी वस्तु का, मान लीजिए ये हमारे हैं
रामलाल जी, रामलाल ने एक वस्तु लेने के लिए मार्केट गया, मान लीजिए आलू, ठीक है, आलू लाने के लिए मार्केट गया। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि प्राइस जो है बहुत ज्यादा है, तो वो उन्हें लेना था 5 केजी आलू। वो क्या करेंगे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप बताना, अगर 10 रुपए वाला आलू आज के डेट में 50 रुपया केजी हो जाए और रामलाल 50 रुपया लेके गया है, वो ये सोच रहा है कि 10 रुपए वाला आलू हम 5 केजी खरीदेंगे, परंतु 50 रुपए केजी हो चुका है आलू, क्या वो 1 ही केजी खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा? बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द प्राइस इंट्रैक्शन विथ क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, ठीक है। अगर देखिए, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक, ये तो हम सभी जानते हैं। तो प्राइस कब कम होगा, कब ज्यादा होगा और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों के रिलेशन के बीच में जो नियम लागू होते हैं, वो लॉ जो होता है, जो वर्क करता है, वही हमारा लॉ ऑफ डिमांड हुआ। इसीलिए तो मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातों के समान रहने पर, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट, किसका, इसी का, जिसका प्राइस बढ़ेगा या जिसका प्राइस घटेगा। अगर मान लीजिए कि एक वस्तु का प्राइस घट जाएगा तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगा, ये होगा, लेकिन उस वस्तु की कीमत क्या होगा। मान लीजिए, मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, फिर से एक बार सुनिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट गुड्स, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट गुड्स, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि भाई उसका प्राइस बढ़ गया है। इसी तरह से वाइस वर्सा काम करता है। जब मान लीजिए प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक, ये चीजें हमें लॉ ऑफ डिमांड समझाता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड, इन ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेजर्स, और इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विथ अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेज विथ अ राइज इन प्राइस। वो बात एक ही कह रहे हैं, सभी अपने अपने मत देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बुक में एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, ए बी सी डी ई करके है, प्राइस इसका है 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, और इसका क्वांटिटी डिमांडेड है 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 35 रुपया और 60 रुपया। मैं आपको और कुछ नहीं बताना चाहता, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो साहब, ये प्राइस है हमारा और ये हमारा क्वांटिटी है। आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा तो आपने क्या सीखा कि जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, जैसे ही प्राइस घट गया देखिए क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, देखिए प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ा, देखिए प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ा, प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ा। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशन होता है, याद रखिएगा, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इसका रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, और उसी तरह से जैसे प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ डिमांड में बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरती हुई रेखा होती है। आगे के दिन हम कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का जो बाकी चीजें हैं उनको डिस्कस करें, और प्लस में हम क्या करें, उसका कर्व भी समझें, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी देख रहे हैं अभी इस समय, आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, सीखिए, कुछ ना कुछ सीखने वाला तो जरूर होगा, हो सकता है आप बहुत ज्ञानी खुद्दे होंगे, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, बट आपको जितना समझ में आ रहा है आप इन मैसेज को दूसरों तक भेजिए, ताकि उनको भी ये चीजें बेनिफिट करें। मुझे लगता है कि यह लॉकडाउन में आपके लिए इससे बेहतर चीजें और कुछ नहीं हो सकती है। अगर कोई टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसके लिए समझना चाहिए। धन्यवाद।